हेलो दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं कंप्यूटर से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 31 प्रश्न लेकर आया हूं। यह प्रश्न आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ये पार्ट वन मैंने लेकर आया हूं, पार्ट टू भी इसका लेकर आऊँगा, जिसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सम्मिलित करूँगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि कंप्यूटर के का उपकरण है। तो कंप्यूटर का मित्रों ये तीनों उपकरण है उपयुक्त सभी। सीपीयू भी कंप्यूटर का है, आगमक उपकरण और निर्गम उपकरण ये सब कंप्यूटर के ही उपकरण है। प्रश्न नंबर दो है मित्रों कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का रूप है। तो इसका राइट आंसर जो है मित्रों वो डी है, कंप्यूटर का रूप लैपटॉप। प्रश्न नंबर थ्री है मित्रों कि संगणक कैलकुलेटर मशीन का आविष्कार किसने किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ब्लेज पास्कल ने कैलकुलेटर का निर्माण किया है, आविष्कार किया है। प्रश्न नंबर चार है मित्रों कि 1980 में किस कंपनी ने घरेलू उपयोग हेतु पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर है मित्रों ए, IBM ने जो है निर्माण किया था। प्रश्न नंबर पाँच है मित्रों कि बाइनरी विकल्प में विकल्प होते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो बाइनरी विकल्प में मित्रों सिर्फ दो विकल्प होते हैं। प्रश्न नंबर सिक्स है मित्रों कि रैम का पूरा नाम क्या है। सिक्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्रश्न नंबर सेवन है मित्रों कि रोम का पूरा नाम क्या है। रीड ओनली मेमोरी किस प्रकृति की मेमोरी है। रोम का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो रीड ओनली मेमोरी, और किस प्रकृति की मेमोरी है ये, तो इसका राइट आंसर है मित्रों अस्थाई प्रकृति की मेमोरी है। प्रश्न नंबर आठ है मित्रों कि प्रत्येक ALU एक समय में कितने बिट डाटा को डिकोड करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 32 बिट का जो है डाटा डिकोड करती है। प्रश्न नंबर नौ है मित्रों कि कंप्यूटर के बंद होने पर इसमें लिखी सूचनाएं खत्म हो जाती है, वह मेमोरी कौन सी है। तो वह मेमोरी है मित्रों रैम। प्रश्न नंबर दस है मित्रों कि मैग्नेटिक डिस्क निम्न में से कौन सी मेमोरी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी है। प्रश्न नंबर 11 है मित्रों कि पर्सनल कंप्यूटर के इनपुट उपकरण है। पर्सनल कंप्यूटर के इनपुट उपकरण है, तो ये तीनों इनपुट हैं उपयुक्त सभी। माइक्रोफोन भी है, स्कैनर भी है और टच पैड भी इनपुट उपकरण है। प्रश्न नंबर 12 है मित्रों कि बस नेटवर्क के अंतर्गत होते हैं या आते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ये नेटवर्क विभिन्न नोड्स एवं उपकरण एक सीधी रेखा में जुड़े रहते हैं। बस नेटवर्क विभिन्न नोड्स एवं उपकरण एक सीधी रेखा में जुड़े रहते हैं। प्रश्न नंबर 13 है मित्रों कि टेलीफोन लाइन के लिए उपयुक्त नेटवर्क कौन सा है। तो ये WAN WAN टाइप जो के होते हैं नेटवर्क, ये टेलीफोन लाइन के लिए होते हैं। प्रश्न नंबर 14 है कि इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधा। प्रश्न नंबर 14, तो इंटरनेट पर आप तीनों कार्य कर सकते हैं, न्यूज ग्रुप भी, ईमेल भी, इंटरनेट फोन भी, ये उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 15 है मित्रों कि निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है। तो गूगल मित्रों सर्च इंजन है। प्रश्न नंबर 16 है कि वर्ड की विंडो में सबसे मध्य में खाली क्षेत्र को कहते हैं। वर्ड की विंडो में सबसे मध्य खाली क्षेत्र को कहते हैं टेक्स्ट एरिया। प्रश्न नंबर 17 है कि व्यावसायिक संस्थानों द्वारा प्रयुक्त पता चलता है। किसका पता चलता है मित्रों, तो .com का पता चलता है, नहीं .com प्रयुक्त पता है, व्यावसायिक संस्थानों द्वारा प्रयुक्त पता है, तो .com ही प्रयुक्त पता है। प्रश्न नंबर 18 है कि कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इनपुट कहते हैं।
प्रश्न नंबर 19 है कि प्रोग्रामों का समूह जो आपकी कंप्यूटर सिस्टम के चलने को कंट्रोल करता है और सूचना प्रोसेस करता है उसे कहते हैं, तो उसे मित्रों कहते हैं कंप्यूटर। प्रश्न नंबर 20 है कि अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को कहते हैं करना या बताता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं मित्रों, प्रोग्राम कहते हैं। प्रश्न नंबर 21 है मित्रों कि ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्टिकल मार्क्ड एप्लीकेशंस। प्रश्न नंबर 22 है कि आंकड़े डाटा हैं, क्या है मित्रों, तो यह डेटम का संग्रह है। प्रश्न नंबर 23 है कंप्यूटर भाषाएं को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो कंप्यूटर भाषाओं को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रश्न नंबर 24 है मित्रों कि असेंबली भाषा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अक्षरों पर आधारित। प्रश्न नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उच्च स्तरीय भाषा है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है कि असेंबली जो है उच्च स्तरीय भाषा है। प्रश्न नंबर 26 है मित्रों कि फोर्टान किस सन में स्थापित हुई, बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, तो फोर्टान 1954 में स्थापित हुई थी। प्रश्न नंबर 27 है कि एल्गोल क्या है मित्रों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो एल्गोल एल्गोरिथम लैंग्वेज है, क्या है, एल्गोरिथम लैंग्वेज। प्रश्न नंबर 28 है मित्रों कि पास्कल क्या है, तो पास्कल एक उच्च स्तरीय भाषा है। प्रश्न नंबर 29 है मित्रों कि प्रोलोग क्या है, तो प्रोलोग मित्रों जो है एक उच्च स्तरीय भाषा है। प्रश्न नंबर 30 है मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन सी उच्च स्तरीय भाषा अंग्रेजी भाषा जैसी है, तो कोबोल भाषा जो है उच्च स्तरीय अंग्रेजी भाषा जैसी है मित्रों। प्रश्न नंबर 31 है इस वीडियो का लास्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी उच्च स्तरीय भाषा कोबोल योम फोर्टान का सम्मिश्रण है, तो PL1 जो है ये मित्रों कोबाल और फोर्टान का सम्मिश्रण है। तो ये रहे मित्रों आपके टॉप 31, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।